अपनी इस तकरीब का बाग तिलावत कलाम पाक से, तो आइए हम सब तिलावत कलाम पाक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो फिर अपने किए पर पशीमानी उठाओ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलावत कलाम पाक सुनने की सआदत हासिल करने के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं सूफियाना कलाम। हमारे साथ मौजूद हैं साईं ज़हूर साहब, जो सूफी गायकी में अपना अलग ही मकाम रखते हैं। जनाब साईं ज़हूर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाजरीन महफल, सारी महफल नूं सलाम अर्ज करना। आज जा दरवेश हूँ, फनकार नहीं हूँ। अल्लाह दे नाम तो शुरुआत है। औखे पैंदे लम्मियां ने रावां इश्क दियां,
सत सदावां इश्क दियां अल्लाह
सब दी खैर मेरे मुल्क ते अल्लाह जालम ते जुल्म तो बचाई रखे। जमूद से माशरा रुक जाता है और हरकत से माशरा मुतहर्रिक रहता है। यही मिसाल मेरे ख्याल में वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की है। एक अरसे से मैं भी उनको जानता हूँ। वो जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं कुछ नया करने का उनमें जज्बा होता है और वो जब जाते हैं वो नया कर भी जाते हैं। बुनियादी तौर पर वज़ारत इत्तला'आत सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग का नाम नहीं है बल्कि इसके बहुत से काम हैं। इससे टेलीविज़न मुंसलिक है, रेडियो मुंसलिक है, कई इदारे मुंसलिक हैं। आज ये चौधरी फवाद हुसैन साहब का ही विज़न है कि 8 जो वज़ारत इत्तला'आत के ज़ेली इदारे हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का भी मिशन था और साथ में ये उस जज्बे की भी तकमील है कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब हुकूमत संभाली थी तो वो कहते थे कि वज़ीर वही रहेगा जो काम करेगा। तो बहरहाल काम हो रहा है, वो जिन जिन मिनिस्ट्रीज़ में गए काम हुआ, उन्होंने वज़ीर आज़म के इस विज़न को भी अमली शक्ल दी है। और अब इस पुरवकार तकरीब को मज़ीद बामानी बनाने के लिए हम मुल्तमिस हैं कि फवाद चौधरी साहब तशरीफ़ लाएँ और इस नए दौर के आगाज़ के हवाले से तफसीलात बताएं। वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिज़ एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हिज़ एक्सलेंसी स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब, स्टैंडिंग कमेटी फॉर सेनेट के चेयरमैन फैसल जावेद साहब और फरुख हबीब साहब तो चूँकि ख़ुद मेज़बान हैं वो भी यहाँ पे हैं, हमारे मिनिस्ट्री के बाकी अफसरान और तमाम डॉक्टर श्री मज़ाहिरी साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शहज़ाद अकबर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कोविड की वजह से वो रौनक जो हम लगाना चाहते थे ज़ाहिर है वो नहीं लगा सके क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में हमें बहुत हॉल जो है उसको खाली रखना था, लेकिन मैं प्रेजिडेंट साहब आपका बड़ा मशहूर हूँ। ये आज 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न लॉन्च हुआ था और 1964 के बाद अब जो 2021 में ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है मीडिया की पाकिस्तान में जो आज इंशाल्लाह आपके हाथों से होने जा रही है। इंशाल्लाह आज जब आप यहां पे जब आप इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे पीटीवी का और बाकी इदारों की डिजिटलाइजेशन, तो वापस घर जाके जब आप पीटीवी खोलेंगे तो पीटीवी इंशाल्लाह HD हो चुका होगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। 2018 में सर जब मैं आपने मुझे जो है वो वज़ीर इंफॉर्मेशन का वज़ीर इत्तला'आत का कलमदान दिया तो
एक्चुअली उसके बाद मुझे थोड़ा सारा सरकार में आके मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं उससे पहले, आपको मालूम है, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था पीटीआई का, तो मुझे लगा कि हम पीटीआई बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्चुअली गवर्नमेंट से बहुत आगे थी इन एफिशिएंसी, इन डिजिटल, हमारा जो नॉलेज, और हमारे अरसलान यहाँ पे बैठे हैं, बाकी जो दो सारे बैठे हैं, इन लोगों, ये लोग सरकार से बहुत आगे थे अपनी हमारी डिजिटल मीडिया साइट के ऊपर। 1964 के बाद जब पीटीवी हुआ तो एक्चुअली बाकी तमाम ममालिक ने, इवन हमारे इर्द गिर्द के सारे ममालिक देखिए, हत्ता कि अफगानिस्तान को देखिए, वो एचडी पे अपनी ट्रांसमिशन ले जा चुके थे, लेकिन हम पैर दर पे हुकूमतें आईं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन जो है उसको हम एचडी नहीं कर सके, रेडियो को डिजिटलाइज नहीं कर सके, बाकी इदारों को हम जो है वो आगे नहीं ले जा सके। सो मकसद आज की तकरीब का ये था, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको पता है हमेशा ये एम्फेसिस करते हैं, इमरान खान का ये सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि आपने मीडिया के ऊपर तवज्जो देनी है, नैरेटिव के ऊपर एक तवज्जो देनी है, क्योंकि हम एक सियासी जमात है, और सियासी जमात का और एक सियासी हुकूमत का ये पहला फ़र्ज है कि वो लोगों को जवाबदेह हो, और लोगों के सवालों का, लोगों के जहनों में जो शकूक व शुबहात है उनका जवाब देने की अहलियत रखनी चाहिए, और ये अहलियत जो है उसको एक मॉडर्न वजारत इत्तला'आत देती है। ये अलग बात है कि हम इसके ऊपर भी देख रहे हैं कि वजारत इत्तला'आत और नशरियात का नाम तब्दील करके हम मीडिया मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी अभी हम आगे आपके पास दोबारा आएंगे। उसकी वजह यह है कि मीडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है और डिटेल है वो बड़ी तब्दील हो चुकी है, सो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अब इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा पार्ट है जो इसमें आ रहा है। हमने सर किया ये है, रेडियो को हमने, जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, टेलीविज़न, ये दुनिया जो है ये लड़ाई नैरेटिव्स की है, बयानियों की लड़ाई है। पहले तो होता ये था कि बादशाह जो था उसका दिल करता था, जो तगड़ा होता था वो तलवार उठाता था, साथ वाले को जाके कब्जे कर लेते थे। अब दुनिया में ऐसे नहीं होते, दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुकी है, बयानिए में जा चुकी है, और लड़ाइयाँ तलवारों से, तोपों से, बंदूकों से आगे निकल गई हैं, अब जहनों की लड़ाइयाँ। और आपका अगर नैरेटिव, आपका बयानिया तगड़ा होगा तो दुनिया में आपकी अहमियत होगी, अदरवाइज आप एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस भी लूज़ करते जाते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता सालों में बड़ी एक लिहाज से, इस लिहाज से ज़्यादती हुई कि हमने एक तो अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को डाउनग्रेड कर दिया, हम रियासत का बयानिए के बजाय सिर्फ रूलिंग पार्टी के बयानिए की एक तहरीक बन के रह गए, एक खालिस स्पोक्स पर्सन बन गए मुतलका जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके। हमने आके इसको तब्दील किया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दोबारा आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की तर्जमान है, किसी एक सियासी जमात से के से ज़्यादा उसकी अहमियत जो है वो हमने उसको वापस लेके आए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की, हमने अपने मीडिया को डिजिटलाइज नहीं किया, हमने अपना सोशल मीडिया जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया, जिसकी वजह से आज जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान में की जो लड़ाई हुई थी या जो वॉर ऑन टेरर है जिसमें 70,000 बंदा हम अपना शहीद हमने करा लिया, लेकिन हम बैकफुट के ऊपर हो जाते हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया को हम बता ही नहीं सके कि ये जंग थी क्या, क्यों हुई, क्यों हमसे कुर्बानियाँ क्या हुई, और डबल गेम तो हमारे साथ हुई, हमने आपके लिए तालिबान, आपने कहा फलानों को पकड़ दो, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आ गई, हमने लोग पकड़ लिए, हमने यहाँ सफीर तक आपके हवाले कर दिया, और उसके बाद आपने हमारे साथ ये किया कि आपने अफगानिस्तान में सारे पाकिस्तान मुखालिफ, चाहे वो हरबे आर मरी हों, चाहे बरामदाग हों, चाहे BLA हो, चाहे और हो, आपने उसको वहाँ पर अड्डे दे दिए। तो डबल गेम तो आपने हमारे साथ की, लेकिन उल्टा हम उस गेम में जो है वो डिफेंसिव के ऊपर आ गए हैं। सो एक पूरी सीरीज है जहाँ पे हम अपने मुद्दे को, अपने मौकफ को बयान नहीं कर सके। आज सर जो आप करने जा रहे हैं, PTV को आप HD करने जा रहे हैं, रेडियो को हमने इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, पॉडकास्ट उसके ऊपर हम लेके आए हैं, रेडियो की आप जो है वो उसकी हमने डिजिटलाइजेशन की है। उसके बाद सर APP 1902 से APP जो है वो उसकी एक उसका वजूद मौजूद है। जिस तरह से APP को हमने एक डिजिटल न्यूज़ एजेंसी क्रिएट किया है, हमने जिस तरह से डिजिटल मीडिया विंग क्रिएट की है, अब हम APP को एक डिजिटल मीडिया न्यूज़ एजेंसी
बनाएंगे ताकि रॉयटर्स की तरह, AFP की तरह जो बड़ी दुनिया की एजेंसीज हैं, APP उस तरह से ऑडियो वीडियो और जो प्रेस है उसकी प्रिंट है उसके ऊपर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे सके। उसके बाद सर हमने जो पैमरा में अभी काबीना ने जो डिजिटलाइजेशन पॉलिसी अप्रूव की है हमारे केबल ऑपरेटर्स के लिए, जो करोड़ों केबल ऑपरेटर्स जो इस वक्त डिजिटल नहीं दिखा पाते, जवान पाकिस्तान से हम उनको लोन लेके दे रहे हैं और केबल जो है उसको हम डिजिटलाइज जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद सर PID मैं समझता हूँ कि इससे पहले जितनी मुश्किलात थी उनको जिस तरीके से हमने आके आज PID मुकम्मल पेपरलेस है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट का जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन होता ये था कि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो जा रहे थे PID को, PID से अखबारों को, एजेंसीज को, किसी को समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ पे क्या करना है, जिसकी वजह से करप्शन की भी बहुत शिकायत थी। हमने PID को पेपरलेस कर दिया है और सारे की सारी जो PID का इश्तहारात का सारा मामला है अब ये 100% जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, पेपरलेस है और इंशाल्लाह इसकी बिलिंग तक भी जो है उसमें कोई जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो अब शामिल नहीं रहा, जिसकी वजह से डिलेज भी नहीं हो रहे। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो हमसे गिला होता था कि इश्तहार आ जाते हैं और पैसे नहीं दिए जाते, मैं PID को और अपने PIO सोहेल साहब को भी इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन लोगों की एफर्ट्स की वजह से पहली हुकूमत है PTI की कि आज हमारी एक रुपया भी किसी मीडिया की तरफ हमारा वाजिब अदा नहीं है, हमने तमाम जो पेमेंट्स हैं अपनी वो अपने वक्त के ऊपर किए हैं और इसकी वजह से तकरीबन 67 करोड़ रुपया हमने सिर्फ पिछले 3 महीनों में दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी मीडिया के स्पेशली जो हमारे अखबार के कारकुनान हैं, जो मीडिया के कारकुनान हैं, उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिला है और वो सब लोग जो हैं वो अब इसमें जो हैं वो वापस आए हैं। इसके बाद जो हमारा डिजिटल मीडिया विंग जो यहाँ पर इस्लाम खालिद, इमरान गजाली बैठे हैं, आप देखते हैं कि इतनी बड़ी प्रेजेंस हमारी हकूमत की कभी थी ही नहीं सोशल मीडिया के ऊपर, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह आज इन नौजवान लोगों की वजह से है। और ये सारा इसके बाद जो अक्सर आगे चल के हमने प्रोजेक्ट किया है हिज एक्सलेंसी, वो है नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी। हम लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास लाइट्स के PhDs नहीं है, हमारे पास साउंड्स के PhDs नहीं है, कैमरे के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, सेट डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, न्यू डिजिटल वर्ल्ड के जो डिज़ाइन हैं वो कैसे होने चाहिए, तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ केम अप विद देयर ओन प्रोजेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी के 4 स्कूल्स हैं, एक टेक्नोलॉजी का स्कूल है, एक जर्नलिज्म का स्कूल है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल है और उसके बाद जर्नलिज्म का स्कूल है। ये 4 state of the art स्कूल्स हैं जो कि आपके सामने इंशाल्लाह और इस बिल्डिंग से हम उसका आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो डिजिटलाइजेशन है जिस पर आप आगे चल के अभी इस पर मज़ीद भी तफसीलात देखेंगे, पाकिस्तान के बयानिए को इससे तकवीत मिलेगी, स्टेट मीडिया का नैरेटिव को इससे जो है वो एक पूरी जान नहीं मिलेगी और इंशाल्लाह ताला ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट विल गो अ लॉन्ग वे पाकिस्तान के बयानिए की मजबूती के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती के लिए। बहुत शुक्रिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बाकायदा और रस्मी लॉन्चिंग की जानेब PTV समेत रेडियो पाकिस्तान, पैमरा, जैम, APP, PID और डिजिटल मीडिया विंग HD टेक्नोलॉजी में दाखिल हो चुके हैं और इसके साथ साथ मीडिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताबी हो चुका है और पाकिस्तान टेलीविज़न भी HD हो चुका है। अब आप उसकी नशरियात एक नए अंदाज में, एक नई शक्ल में, नई तस्वीर के साथ देख सकेंगे। न सिर्फ उसकी नई तस्वीर देख सकेंगे बल्कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी बहुत मुख्तलिफ हो गई है और आज ही से वो प्रोग्रामिंग लॉन्च हो जाएगी। और जैसे अभी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि न सिर्फ वो पहले एक जमात का बयानिया होता था, अब ये न सिर्फ हुकूमत का बयानिया है बल्कि रियासत का बयानिया है, पाकिस्तान का बयानिया है। उन प्रोग्रामिंग में आपको इसकी तस्वीर और इसकी झलक भी नज़र आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आज हम हमाहंग हो गए हैं। जिद्दत का ये सफ़र कैसे
अब तक जारी रहा है और इसकी क्या तस्वीर है ये हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त 1947 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आजादी, पाकिस्तान हासिल किया, कोशिश करो पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पुत्र हटाते कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या बाबत सैयो तगैयुर के वली है। मैं बेनजीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल फुटाती हूँ। हमारी तारीख के सबसे बड़े ट्रेजेडी का सामना है। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 2 मिग तैयारे मार के आए। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इन द रेडियो ऑफ पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट अब पॉडकास्ट पर भी दुनिया भर में रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आवाज से तस्वीर तक बोलता पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मुल्की सतह पर डॉक्यूमेंट्रीज, तस्वीरी खबरनामे और हुकूमती वफूद के साथ साथ सरकारी दस्तावेजी फिल्मों की तश्कील में मसरूफ़ अमल है। इस लोकेशन डायरेक्टरी के जरिए पाकिस्तान और बैनुल अक्वामी फिल्म साजों को पाकिस्तान भर की फिल्मिंग लोकेशन, इनके करीबी होटल और उन तक रसाई के तरीके, जोग्राफियाई महल वकू की शिनाख्त के हवाले से रहनुमाई फराहम करना है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एक बाएतमाद खबर रसा इदारा है। एपीपी डिजिटल प्रोजेक्ट के जरिए तेज रफ्तार राबता, डेटा सेंटर्स, डिजिटल आर्काइव्स, रिपोर्टर्स के लिए लैपटॉप, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स का सामान, सोशल मीडिया, आईपीटीवी की अपग्रेडेशन, नया मुतहर्रिक वेब पोर्टल, तजुर्बाकार टीम और बासलाहियत नौजवानों की शमूलियत के साथ एपीपी पेशावराना उफक पर असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग जुर्रतमंदाना पेशकदमी के लिए पूरी तरह तैयार है। We'll be right back.
डिजिटल पाकिस्तान इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जानिब से वजह करदा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ की तकमील में संगे मील साबित होंगे और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक से हम आहंग हो जाएगा। केबल टीवी नेटवर्क्स को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का ये काम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जा रहा है। डिजिटल पॉलिसी की बदौलत अपने कारोबार की बेहतरी और वसत के लिए केबल ऑपरेटर्स को वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी भी की जाएगी। इलावा इसी केबल टीवी को एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब।
वालेकुम, मैं हूँ जरिया वारिफ और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अहमद कुरैशी, क्योंकि अब आपके आगे का सफ़र हमारे साथ है। नाज़रीन, हम टेक्नोलॉजी की नई दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, तो लिहाजा बढ़ते हैं नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स की बाकायदा रस्मी लॉन्चिंग की तकरीब की तरफ। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा है जो कि आप सबको दिखाना है कि वो कौन सी नई दुनिया है जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा तारीखी इकदाम है। मौजूदा हुकूमत ने मूविंग पिक्चर पॉलिसी 2021 तरतीब दी है, जिसके तहत मुल्क भर के फिल्मी अक्सबंदी के मकामात और सियाहती खूबसूरती को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए एक डिजिटल लोकेशन डायरेक्टरी बनाई गई है। और ये वाकई तारीखी इकदाम है। मोबाइल ऐप के ज़रिए और वेब पोर्टल के ज़रिए दुनिया भर में फिल्म मेकर्स और दुनिया भर में फिल्म प्रोड्यूसर्स कहीं से भी पाकिस्तान में जो फिल्मी लोकेशंस हैं उन तक रसाई, वहाँ करीब एयरपोर्ट्स, वहाँ पे करीब रोड्स, वहाँ पे करीब बस स्टॉप्स, हद तक के वहाँ पे मौसम की सूरत हाल वो दुनिया के किसी भी कोने से मालूम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो है मैं आपको इस डायरेक्टरी का एक झलक दिखाऊँ। सो प्लीज़। Thank you.
आपकी भरपूर तालियों ने ये साबित कर दिया है कि इसमें बहुत सी ऐसी जगह थी जो शायद आपने कभी देखी ना हो, लेकिन आज चूंकि आप लोगों ने देख ली हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो तमाम चीज़ें जो आज तक हमारी नज़रों से ओझल रही वो क्यों रही। लेकिन एक अच्छी काविश है कि जिस मकसद के लिए इन जगह का, इन मकामात का इंतखाब किया गया है, आने वाले दिनों में वो मकसद पूरा हो। लेकिन इसके साथ साथ तकरीब को आगे भी हमने बढ़ाना है। अब तकरीब को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम मधु करना चाहेंगे उन अहम शख्सियात को जिन्होंने आज की इस शाम को रौनक बख्शी है और जिनके होने से ये तमाम नई डिजिटल मीडिया पॉलिसीज मुतारफ करवाई गई हैं। तो मैं दावत देना चाहूँगी सबसे पहले चेयरमैन पैमरा को। एमडी पीटीवी, डीजी पीबीसी, पीआईओ, एमडी एपीपी, डीजी डीईएमपी, जीएम डीएमडब्ल्यू और आखिर में फोकल पर्सन ऑन फिल्म्स। और अब मैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं और नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करें। और लगता है उजलत में जो है मैंने सेक्रेटरी इत्तलात, मोहतरमा सेक्रेटरी इत्तलात का नाम नहीं लिया। तो सबसे पहले तो माजद कबूल फरमाइए और साथ ही साथ सेक्रेटरी साहिबा प्लीज़ आप भी तशरीफ़ ले आइए। और वो तशरीफ इस लम्हे के रूहे रवा फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं तो उनके लिए भी भरपूर तालियां हो जाएं। सर गुजारिश करें कि नाम लेना चाहिए था, हमें ये कहा गया था कि इन सब के जो ओहदे हैं वही काफी हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा सेक्रेटरी इत्तलात और एमडी एबीपी कि वो हमारे साथ रहे स्टेज पर, लेकिन इससे पहले हमें बाकायदा तौर पर इन ऐप का इफ्तिताह करना है। तो जनाबी सदर प्लीज इफ्तिताह फरमाइए। मोहतरमा सेक्रेटरी साहिबा आपसे गुजारिश है कि आप भी इधर रहिएगा। जी जी सर। और जनाब एमडी एपीपी भी हमारे साथ है। टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से खुश आमदीद। वजारत इत्तला नशरियात के ज़ेरी इदारों रेडियो पाकिस्तान, एपीपी, डिजिटल मीडिया विंग, पीआईडी, नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी, पैमरा, डैम और पीटीवी की डिजिटलाइजेशन का तारीखी इकदाम। देखती आंखों और सुनते कानों का लम्हा बा लम्हा सफर। पाकिस्तान टेलीविजन अब नए अंदाज में। पाकिस्तान टेलीविजन अब एचडी के साथ। कि मौजूदा हुकूमत ने आपसे किया गया एक खूबसूरत वादा पूरा किया। मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा सेक्रेटरी इत्तलात और एमडी एपीपी को कि हमारे साथ रहें स्टेज पर और बाकी मेहमानान गिरामी सदर पाकिस्तान अपनी नशस्तों पर तशरीफ फरमाएं। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो वो ISO सर्टिफिकेट कि जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से अनथक कोशिशें की गई, बहुत काम किए गए और कुछ ऐसा परफॉर्म किया गया कि आज ISO सर्टिफिकेट हमारे पास पहुंचा, तो लिहाजा जनाब सदर से गुजारिश है कि मोहतरमा सेक्रेटरी और हमारे दीगर अहम शख्सियत को वो ISO सर्टिफिकेट उनकी खिदमत में पेश किया जाए। APP ने अपनी कारकर्दगी को बैन अल-अक़वामी सतह से हमकिनार किया है और इस सिलसिले में कौमी खबरों सरकार ने 9001/2015 और 27001/2013 हासिल कर लिया है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मुबारकबाद ISO सर्टिफिकेट मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। जनाब सदर आपसे गुजारिश है कि आप यहीं पर रहिए और इस खूबसूरत मौके में, इन खूबसूरत लम्हात में आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। माने रहीम, बेइंतहा खुशी हुई आज ये सारे मनाजिर देखकर, मोहतरम फवाद हुसैन चौधरी साहब, वजीर इत्तलात और नशरियात, स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब, मोहतरम फारूक हबीब साहब, फैसल जावेद साहब, ये सब मेरे दोस्त, मोहतरमा शीरी मजारी से ख्याल आया, ये सब मेरे दोस्त, आप सब लोगों, ख्वातीन और हजरात जो इन इदारों के जिम्मेदारान हैं वो, और शायर शुरू का आप सबको सलाम अलैकुम। मैं मुबारकबाद देता हूँ नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को इस तारीखी दिन पर कि जहाँ इतने सारे इदारों को उन्होंने तब्दील करने के एतबार से नई दुनिया के रास्ते में लगाने के लिए मेहनत की, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पेमरा, APP, PID, डिजिटल मीडिया विंग और मीडिया यूनिवर्सिटी सब शामिल हैं। मैं समझता हूँ, मैं इनसे फवाद चौधरी साहब से कह रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सारों से पुराना हो, लिहाजा आपको जिक्र करूँ कि बचपन के अंदर कराची के अंदर एक नुमाइशगाह होती थी जो कायद आज़म के मज़ार से पहले थी, उसको बाद में पुरानी नुमाइश कहना शुरू किया, फिर एक्सपो सेंटर बना, तो वो जो पुरानी नुमाइश की जगह थी वहाँ पर सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की नुमाइश हुई और एक इदारा फिलिप्स पाकिस्तान ने उसको वहाँ पर शो कर किया, तो वहाँ स्टूडियो बनाया था और लोग तमाशा देखते थे, मैं भी उन बच्चों में था जो उसका तमाशा देखता था। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ तो एक बहुत एक्साइटमेंट था, मगर वो ज़माना वो था कि कौमी तराने से 4-5 बजे शुरू होता था और रात को 11-12 बजे कौमी तराने के साथ वो नशरियात बंद हो जाती थी। फिर वो लैंडमार्क भी मुझे याद है, इतनी बेचैनी से इंतज़ार किया हमने कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न कलर्ड ब्रॉडकास्ट आने लगी, और मुझे आज भी वो लहराते हुए झंडे या झंडियाँ, कलर्ड झंडियाँ नज़र याद आती हैं जब वो पाकिस्तान टेलीविज़न कलर में आया। उसके बाद एक कैफियत ऐसी तारी हुई हम पर, और आप ये देखिए बड़ा सुनहरा दौर हमने देखा, इतना सुनहरा दौर, जो ड्रामे प्रोड्यूस होते थे, जो प्रोडक्शंस होते थे वो दुनिया में देखे जाते थे, बेइंतहा पॉपुलर होते थे और पड़ोसी मुल्क के अंदर भी, पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोडक्शंस का कोई सानी नहीं था, बॉलीवुड सब पीछे, जो व्यूअरशिप पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों की थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और इतने बड़े बड़े फनकार पाकिस्तान टेलीविज़न ने पैदा किए, मोइन अख्तर, इससे बड़ा कॉमेडियन मैंने दुनिया में नहीं देखा अंग्रेज़ी का किसी, मोइन अख्तर क्या बात, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी, ड्रामे जितने खूबसूरत चलते रहे, और अब बीच के अंदर हम वही चीज़ मिस करने लगे थे कि दुनिया आगे निकल गई, HD टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न HD पर नहीं आया। नतीजतन आपको बताऊं, जैसे ही हम हुकूमत में आए हमारे दोस्त, जब से फिक्र शुरू हुई, आपको मालूम है, आप वाकिफ़ हैं कि क्रिकेट के लिए भी हम बाहर की कंपनियों से राबता करते थे, वो आकर अपने कैमरे लाते थे क्योंकि हमारे पास HDTV कैमराज भी नहीं होते थे, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि क्योंकि
उसके इंडियन इंटरेस्ट हैं, तो पाकिस्तान ने इस बात में एहतियात की कि उनको नहीं करेंगे। जब हम पूछते थे कि क्या मुश्किल है, तो पता चलता था बहुत महंगे होते हैं ये कैमरे, फिर प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स की मदद ली जाती थी। मगर आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फवाद चौधरी साहब, मेरे दोस्त। इनकी खसूसियत यही है जो बयान की गई कि जहाँ जाते हैं ये तहलका मचाते हैं, तहलका हमारे तहलका.com, फवाद चौधरी साहब। अच्छा, ज़माना तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई फवाद चौधरी साहब कि आपने यहाँ पर कलाम पाक के पास के बाद एक सूफ़ी कलाम को भी रखा। और मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी अहम। एक तो फेक न्यूज़ के हवाले से मीडिया, दुनिया का मीडिया इससे सफ़र करता है, इससे परेशान है, लोग परेशान हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो आपको मालूम है, हमेशा से जब से इंसान ने बोलना शुरू किया तो वो कम्युनिकेशन ज़बान से निकली और हवा में गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, और लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 1,00,000 का मजमा था, तो आखिरी खुतबे के अंदर 1,00,000 तक वो बात पहुंचनी थी। तो मुकब्बिर थे, जहां तक मेरे नबी की आवाज़ जाती थी उसके आगे फिर मुकब्बिर उसको चारों तरफ ले जाते थे, और एक पैगाम को, एक बात को पीछे तक पहुंचते पहुंचते 1-2 मिनट या 3 मिनट तो लगते होंगे। तो वो मुकब्बिरों के जब्बाद, इसी वजह से वो मीनार मसाजिद के ऊंचे बनते थे कि आदमी जब आज़ान दे तो आवाज़ दूर तक जाए। मुसलमानों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने कहा कि भाई कोई आज़ान देने का, कोई लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने का तरीका होना चाहिए, तो गिरजा और कलीसा के अंदर तो घंटी बजती थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान का अहतमाम किया और इसके खुशलहन लोग आज़ान दिया करते थे। तो वो मीनार का बुनियाद जो है वो इस वजह से कि दूर तक आवाज़ जाए। उसके बाद आप जानते हैं लाउड स्पीकर्स का ज़माना आया, फिर रेडियो और टेलीविज़न का ज़माना आया, और तेज़ी से भाग रहा है। तो ये कम्युनिकेशन है। अच्छा, इस कम्युनिकेशन के अंदर आप ये देखिए कि फेक न्यूज़ के लिए यहाँ कुरान पाक की तिलावत की गई, वो फेक न्यूज़ के हवाले से थी। अल्फाज का चुनाव बदलता गया, मगर फेक न्यूज़ का अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुमको किसी चीज़ पर, किसी इत्तला पर शुबा हो तो उसकी तहकीक कर लो। एक जगह फरमाया कि अपने नबी से कन्फर्म तो कर लो। फेक न्यूज़ दुनिया में भारी है आज, और पाकिस्तान के ऊपर इसका हमला बहुत है। आपने वो पिछले दिनों यूरोप की उस इदारे को देखा होगा जिसके अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना फेक न्यूज़ पैदा किया, फैलाया। फेक न्यूज़ आप जानिए कि इतना ख़तरनाक है। गीबत किसको कहते हैं? गीबत इस बात को कहते हैं, और जो इस्लाम के अंदर, मुसलमानों की तहजीब के अंदर बहुत बुरा समझा जाता है, जैसे भाई का गोश्त खाया। गीबत है क्या? मैंने किसी से बात की, आपने उस बात को बीच में से किसी और को सुनाई, नियत सही भी हो सकती है, इसी तरह से बात चलते चलते वो गुमराह हो जाती है बात। मेरे एक ही इंसिडेंट को मैं और आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, फेक न्यूज़ बड़ी आसानी से आप उसको गिरफ्त कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो इंटेलेक्चुअल मामला है ना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंटेलेक्ट में दुनिया की बराबर है, कोई हमसे इंटेलेक्ट में तेज़ नहीं है। आपने कोविड के अंदर देख लिया, आपने जब हमने न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाया तो आपने देख लिया। तो जहाँ सिर्फ इंटेलेक्ट की और ज़हानत की बात आती है तो पाकिस्तान को एज भी है, जब पैसा डालने की बात आती है तो यहाँ के हालात की खराबियों की वजह से और करप्शन की वजह से हम कमज़ोर होते गए हैं, मगर इंटेलेक्ट में हम बराबर हैं। तो लिहाजा ये, मैं अगर आपसे कोई बात कहता हूँ, मैंने यहाँ से कोई वाकया, मैंने और आपने सबने देखा कोई हादसा, मैंने यहाँ से देखा, आपने यहाँ से देखा, इंटरप्रिटेशन बड़ी मुख्तलिफ बहुत जगहों से आई। जब अब मैं उस वाकये को सुनाऊंगा, मेरे वालदैन मरहूम अगर जिंदा होते तो उस वाकये को मैं जिन अल्फाज के चुनाव के साथ एहतियात के साथ सुनाता, वो एहतियात मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं रखूंगा। बिल्कुल आया बात है ना, हमारा डायलेक्ट बदलता है, वो उनका अल्फाज का चुनाव अपनी औलाद के साथ मुख्तलिफ होगा, मेरा अपने उस्ताद के साथ मुख्तलिफ होगा,
खवातीन बैठी हों मुख्तलिफ होगा, कुछ चीज़ों में मैं एहतियात कर लूँगा अपने कल्चर के एतबार से। और जब मैं ये बात किसी से कहूँ, अपने वालदैन से कहूँ, अपने दोस्तों से कहूँ, और वो क्लिप निकाल कर मेरे वालदैन को सुना दिया जाए, तो उनको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ये तरबियत तो हमने इसकी नहीं की थी। मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं जो दोस्तों के साथ गुफ्तगू करूँगा वो अगर मेरे वालदैन को सुना दी जाए तो कितना अफसोस होता उनको। तो लिहाजा ये है गीबत। आप लोग भी इसमें एहतियात करिए कि जिस महफिल और जिस बैकग्राउंड से बात आती है उसमें से चंद टुकड़े अल्फाज के निकाल कर आप सुना दें किसी को, तो दैट इज़ फेक न्यूज़। और दुनिया में फेक न्यूज़ ने तहलका मचा दिया, सत्यानाश किया, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कमिंग फ्रॉम टेलीविजन। आपको मालूम है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न थे, उसकी वजह से इराक पर हमला हुआ, उसकी वजह से लाखों जाने गई, थे ही नहीं। उसमें से चार इंसिडेंट्स ऑफ फेक न्यूज निकाले गए। एक ये कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पाइप मंगाए, वो पाइप दुनिया कहती रही कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए नहीं है। उन्होंने कहा इनके पास केमिकल मोबाइल केमिकल वेपन्स बनाने की लैब्स हैं, वो भी झूठ था। ये कहा गया कि ये यूरेनियम किसी अफ्रीकी मुल्क से यूरेनियम खरीद रहे हैं, वो भी झूठ था। ये कहा गया कि कोई 9/11 के जो लोग थे उनमें से एक ने जर्मनी में किसी इराकी काउंसलर से या जो सिफारतकार उससे मुलाकात की, वो भी झूठ था। और उस झूठ की बुनियाद पर पूरी कौम को गुमराह किया गया और उस कौम ने और दुनिया ने इजाज़त दी कि जाओ बमबारी करो, तहस नहस करके रख दिया इस्लामी दुनिया को। तो लिहाजा फेक न्यूज़ के बड़े डैमेजेस हैं। तो मैंने जो दो तीन मुजामीन लिखे प्रेसिडेंसी में आने के बाद, उसमें से एक था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटाइजेशन, जिसके अंदर आईटी और ये सब था, और दूसरा मैंने लिखा था फेक न्यूज़। मैं खुद परेशान हो गया था एक फेक खबर से और मैंने कहा कि लोगों कम से कम इसकी एहतियात तो करो। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमारे इदारों ने कुछ चीज़ों को बैन किया, हमारी कोर्ट्स ने कुछ चीज़ों को बैन किया, क्योंकि इस कल्चर के अंदर अचानक ऐसी चीज़ जो घर तक पहुंच जाए। पहले क्या करते थे, अपने बच्चों को आप ऐसी जगह जाने नहीं देते थे, फिर टेलीविज़न आ गया, घर के अंदर आ गया, और जितनी लड़ाई झगड़ा है वो सब टेलीविज़न पर होता रहता है। रोज़ाना शाम को पाकिस्तान के मुतालिक जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है कि सब झूठ है, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी झूठ के पुलंदे में आ जाती हैं, जो सुनने वाला है कितना परेशान होगा। तो लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने सूफ़ी कलाम जो शुरू में किया वो बहुत ही अच्छा किया। मैं और ये एक है शरीयत है इस्लाम के बुनियादी कवानीन, नमाज पढ़ो, इस तरह से रहो, ये करो वो करो। एक है सूफ़ी अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना, वो ज़िक्र इलाही के साथ होता है, और उसके अंदर वो कुरान की आयत है कद अफलाह मन तज़क्का व ज़िक्र अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तूसिरूना हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन वअबका, के कद अफलाह मन तज़क्का के अपने आप को साफ़ करो, तज़किया करो, व ज़िक्र अस्म रब्बिही फ़सल्ला फिर अल्लाह का ज़िक्र करो और शुक्र करो। ऐसे ही सूफ़ियत के अंदर ये चीज़ अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है और बहुत ऊँचा मुकाम है, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ख़त्ते में जो इस्लाम फैला वो इतने बड़े बड़े सूफियों की मोहब्बत फैलाने वाली तरकीबों से पाकिस्तान में फैला। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया के अंदर आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका मैं बानी अरकान में से हूँ, मोहब्बत करने वाले इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये हमेशा आगे था मीडिया में, सोशल मीडिया में भी सबसे आगे था। मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था शायद 2007 में। मैं समझता ये हूँ कि सोशल मैसेजिंग में सबसे आगे था। आजकल आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चर्चा सुनते हैं, किसी मल्टीनेशनल में दावे से कह सकता हूँ किसी मल्टीनेशनल ने नहीं शुरू किया होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2010 में हमारी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के अंदर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराची में बैठ कर इस्लामाबाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। तो जब ये हुकूमत आई तो मैंने बार बार ये जो डिजिटल मीडिया विंग बना है ये बार बार मैं कह रहा हूँ और अभी भी मैं समझता हूँ कि पहला कदम बेइंतहा अच्छा कदम है।
मगर दुनिया मीडिया की है। अगर फलस्तीन का जुल्म आप तस्वीरों में देखते हैं तो आपको एहसास होता है। इंसान मजबूर है कि खबर के साथ अगर तस्वीर मिल जाए तो वो उससे उसके दिल पर असर होता है। आपको याद है वो शाम का एक बच्चा जो मेडिटेरेनियन में डूब गया था, उसकी जब तस्वीर दुनिया में गई तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि महाजरीन को जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान जनाब कि 35 लाख महाजरीन को अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने पनाह दी। ये ममालिक जो हमें नसीहतें करते हैं, ये मेडिटेरेनियन में डूबने देते हैं मगर महाजरीन को नहीं लेते, डूबने देते हैं, कितने अफसोस की बात है। तो लिहाजा कश्मीर का मुकदमा भी मीडिया से चलेगा, इस्लामोफोबिया का मुकाबला भी मीडिया से होगा, क्योंकि अजहान को ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आजकल वो ज़माना नहीं है कि बंदूक लो और जाओ, वो ज़माना भी है और चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो बंदूक भी इस्तेमाल हो रही है, मगर अजहान पहले तैयार किए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और इस्लामोफोबिया के एतबार से जो नैरेटिव है, वो मुसलमान को अपना नैरेटिव देना पड़ेगा। बड़ी जंग है नैरेटिव की, और नैरेटिव के लिए हम डिपेंडेंट हैं आपके। हसीना मोइन साहिबा का इंतकाल हुआ, फवाद चौधरी साहब, तो मेरी बीवी की वो उस्तानी रह चुकी हैं, तो मेरी बीवी ने उनके इंतकाल से 2-3 हफ्ते पहले उनको दोपहर को खाने पर बुलाया, तो मैं चंद लम्हों के लिए उनके पास गया, तो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरी आपसे फरमाइश है, और बड़े गौर से सुन लें आप, मेरी आपसे फरमाइश है। मैंने पूछा आप फरमाइए, कहने लगी टीवी को आप सही कर दीजिए। तो मैंने कहा हाँ टीवी को, अच्छा मैं समझा कि सारे टेलीविजन की बात कर रही हैं कि टेलीविज़न के अंदर प्रोग्रामों की क्वालिटी बेहतर हो, सब कुछ। तो मैंने कहा हाँ जी मैं फ़िक्रमंद हूँ कि सारा टेलीविज़न बेहतर हो। तो कहने लगी नहीं, और ये आपकी अमानत है फवाद चौधरी साहब, कि उन्होंने कहा नहीं मेरा मकसद है कि पाकिस्तान टेलीविज़न को आप बेहतर कर दीजिए। ये उनके इंतकाल से 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो लिहाजा बहुत सारों के अरमान इस बात पर हैं कि आप कर लीजिए। अच्छा नैरेटिव की क्या अहमियत है, मैं कल परसों कुछ दिन पहले क्वेटा में ख्वातीन का क्रिकेट मैच हुआ था तो वहाँ गया, तो मैं ये कह रहा था लोगों से कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट लीग ये बनी IPL, ये पाकिस्तान क्रिकेट लीग अब जिस तरह से कराची कश्मीर की बनी, इसी तरह से मैं समझता हूँ हॉकी के अंदर ज़रूरत है। लोगों की व्यूअरशिप आएगी तो पैसा भी आएगा फील्ड के अंदर। आपको एक मिसाल दे दूं कि कितना मीडिया और कमर्शलाइजेशन की ज़रूरत है स्पोर्ट्स के अंदर भी, और PTV ये काम शुरू कर रहा है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपसे जिक्र कर दूं, कबड्डी एक खेल है, कबड्डी हम भी खेलते थे, सांस रोककर खेलते थे, सांस का खेल था। इसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये इंडिया ने मॉडर्नाइज किया, इसके अंदर 30 सेकेंड टाइम लिमिट लगा दी, मगर आई एम जस्ट मेंशनिंग द फैक्ट कि कबड्डी जैसे गेम को भी जब कमर्शलाइज किया जाता है तो उसके राइट्स को एक चाइनीज कंपनी ने खरीदा, कबड्डी जैसे गेम को की राइट्स को, बहुत अच्छा गेम है मगर लोग वाकिफ ही नहीं थे उसके राइट्स को। आपको मालूम है कितने में खरीदा? $300 मिलियन। तो लिहाजा इतनी ओपनिंग है डिजिटल मीडिया के अंदर और स्पोर्ट्स प्रमोशन के अंदर, और क्योंकि हमारे दूल्हा फवाद चौधरी साहब आप हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि PTV इसके अंदर लीडरशिप दिखाएगा और बाकी टेलीविज़न पाकिस्तान का ये पाकिस्तान टेलीविज़न को फॉलो करेगा, अच्छे प्रोग्राम, अच्छे ड्रामे जिसके अंदर हर वक्त इस किस्म के ड्रामे जिसके अंदर औरत पर जुल्म ही जुल्म दिखाया जाए, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। अच्छे ड्रामे जिसके अंदर जो हकीकत में माशरे में औरत का मुकाम मेरे नबी ने दिया, हम देते हैं, हैं? और होना चाहिए उस तरह के ड्रामे होने चाहिए जिससे कौम की तरबियत हो, कौम निकले। सिर्फ अकेले इमरान खान जैसे लीडर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो ज़रूर लेकर चल रहा है, मगर ये कि कौम की तरबियत मैं 2-3 जगहों से समझता हूँ। एक तो मसाजिद बुनियाद बनती हैं कौम की तरबियत के लिए, मस्जिद के अंदर जितनी लोग जाते हैं तो अच्छे खुतबात, अच्छी तरबियत बुनियाद बनती है, फिर मीडिया बुनियाद बनता है। तो कौम बन रही है, कौम बहुत बड़ी बन रही है।
मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिकेटर्स आपको नजर आने लगेंगे। डिस्पाइट कोविड पाकिस्तान की कौम तरक्की कर रही है। कोविड के ऊपर जो आपने काबू पाया, ये अच्छी डिसीशन मेकिंग है। आपके पड़ोसी मुल्क ने खराब डिसीशन मेकिंग की, उसका असर आपने देखा। यहाँ इमरान खान साहब ने ये तय किया कि हमदर्दी की बुनियाद पर बिसात डाली और फिर कहा कि इसके ऊपर प्लानिंग करो। हमदर्दी की बिसात क्या थी कि टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम गरीब को भूखा मरने नहीं देंगे। इसके ऊपर आपने प्लानिंग की और दुनिया में आपने कामयाबी हासिल की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारे कदम, ये कदम उस नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं जो पाकिस्तान दुनिया के अंदर, बड़ी अक्वाम के अंदर, मेरी और आपकी जिंदगी में हम उसको पहुंचता देखेंगे। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका। ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को लाने से हमारी रीच बढ़ जाएगी, हमारे अच्छे ख्यालात बढ़ जाएंगे, इस्लामोफोबिया का मुकाबला होगा और पाकिस्तान का असल कल्चर, असल एहसास का दुनिया को इस बात का इल्म होगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इट्स अ बिग ऑनर। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हम इस तकरीब के इख्तिताम पर नहीं पहुंचे, बल्कि अभी बहुत कुछ है। बिल्कुल, और एक सेलिब्रिटी भी हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा इस वक्त। वो आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं वैसे अहमद? मैं, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। अच्छा, वो सेलिब्रिटी, वो शख्सियत आप ही के दरमियान मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन एक बहुत एक और अच्छी शख्सियत हमारे पास हैं और एक ऐसे सिंगर हमारे पास मौजूद हैं जिनके गाने आपने यकीनी तौर पर सुने हैं और उनके कुछ गाने तो ऐसे हैं जो कि हर जबान ज़दे आम हुए। तो आप सबकी तालियों में बुलाएंगे सहर गुल खान को, बोल कफारा की खूबसूरत सिंगर। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा। जुगनू जुगनू कर
के तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, पक्षियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे प्यार किया, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा, मेरे दिल के दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल दिल की तौबा, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, हमें थी गर्ज तुम से प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमें पे फर्ज होना था, धड़कन धड़कन धड़ते धड़ते धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरुद्ध बना के याद किया, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, कर जुर्म किया है तू भी बता ए जुर्म के क्या है सजा, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई चांस प्यारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, तू बोल Hello, hello. Thank you so much. It means a lot. Thank you so much for all the appreciations. और मेरे इस गाने को पाकिस्तान का सबसे मशहूर बनाने thank you so much. And अब जो मैं song sing करने लगी हूँ वो मेरा गाया हुआ मेरा most favorite song है. And hopefully आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. Need your appreciation. So here we go. यार कलंदर फेरा पावे दिल दे बूहे नू खड़कावे, यार कलंदर फेरा पावे दिल दे बूहे नू खड़कावे, अल्लाहू दा विरद पका के महबूब बनदा नाम जे लेवे, यार कलंदर फेरा पावे दिल दे बूहे नू खड़कावे, अल्लाह
महबूबण दो नाम जलेवे इश्क दा कुकड़ इश्क दा कुकड़ इश्क दा कुकड़ बंगा देवे बंगा देवे बंगा देवे इश्क दा कुकड़ ओ कुकड़ इश्क दा कुकड़ बंगा देवे तांगा दे विच बंगा देवे इश्क दा कुकड़ आ कुकड़ इश्क दा कुकड़ बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया और यकीनी तौर पर सबको बहुत पसंद आया होगा। कुछ दो चार बातें आपसे हो जाए।
और पहले सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि फैन हूँ मैं, तो पहला सवाल जो है वो ये है कि आप कैसे आई म्यूजिक इंडस्ट्री फील्ड में? बिल्कुल अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा स्टार्ट है वो पीटीवी का है। अच्छा, इन माय स्कूल लाइफ मैंने एक पठवारी सॉन्ग सिंग किया था, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। और जो सिंगिंग का कनेक्शन है वो मेरे साथ सिंस माय चाइल्डहुड, मेरा सिंगिंग का कनेक्शन मेरी सोल के साथ है। एंड जब होता है ना कि आप में वो चाम होता है, वो जज्बा होता है, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली वो रास्ते खोलते जाते हैं। आई एम फ्रॉम पठान फैमिली। अरे वाह वाह वाह, ये तब्दीली है तब्दीली है। तो जब आपने बोल कफारा गाया, वो आपका पहला गाना था और हमने देखा कि किस कदर मकबूल हुआ, इतनी उम्मीद थी आपको कि वो गाना इतना हिट हो जाएगा? यार वो जो सॉन्ग था ना, वो जिस तरह का साउंड कर रहा था और मैंने उसकी मेकिंग अपनी आंखों के सामने देखी है, आसिम रजा सर जिन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं, कंपोजिशन बनाई, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी और हम सबको बिलीव था कि वो इंशाल्लाह बहुत मेगा हिट होने वाला है। या तो मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस गाने को लेकर वो पूरी हुई, उससे ज्यादा। और आवाम में मकबूलियत भी उसी तरीके से मिली, मतलब लोग इजीली पहचानते थे, अच्छा आप हैं भूल का फारा के सिंगर? हाँ जी। तो फिर कैसे रिस्पॉन्स देती हैं आप उस वक्त? जी जी बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच सहर, यू वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी भरपूर तालियों में हम सहर से कहेंगे कि प्लीज आप वापस तशरीफ ले जाएं, और इसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है अभी आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। क्यों अहमद? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 या 3 दिन से जो हम रिहर्सल्स कर रहे थे यहाँ पे, तो जो हमने फन के शाहकार और मौसीकी के जो देखे हैं वो रंग, मैं सारे जो है सब आपके सामने पेश इस वक्त नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस, बिल्कुल थोड़ा सा रखें, तो जी तो चाह रहा है कि वो मेंशन कर दें सारे, और मैं कुछ लिस्ट आपके सामने देख भी रहा हूँ, और बल्कि कुछ ऐसी है जो हमने शायद पिछले 2 दिन में देखी भी नहीं, शायद कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसे ये कि जो हमारे नेक्स्ट सिंगर यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ सिंगर कह देना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सस्पेंस क्रिएट किया जाए तो शायद आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी शान में हम आपसे क्या कुछ कहें। एक सियासतदान है, सोचिए जब सियासतदान गुनगुनाता होगा तो कैसा लगता होगा? सियासतदान, और मैं यहाँ पे डॉक्टर श्री मजारी को देख रहा हूँ, और वो इतनी सीरियस सियासतदान हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका आर्ट और फन और म्यूज़िक में जो है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। किसी दिन डॉक्टर साहिबा को चाहिए, बल्कि हम अपने किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनसे वो साइड उनका जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे मेहमान मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे को होस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मॉर्निंग शो में जल्द मेरा हिस्सा होंगे, तो जितनी भी सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं उनको ये एडवांस इन्विटेशन है कि जब जब हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स आपसे रब्ता करेंगे तो आपने सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना है और हमारे पास आना है। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे उस मकबूल शख्सियत के बारे में कि ना सिर्फ वो सियासतदान है बल्कि ओपिनियन लीडर भी है। अहमद, यानी कि आप इस वक्त जिनको बुला रही हैं वो एक सियासतदान है जो ग्लोकारी करेंगे? बिल्कुल ग्लोकारी करेंगे। अच्छा, सियासतदान, सियासतदान ग्लोकारी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और एक ओपिनियन लीडर अगर ग्लोकारी करे तो भी बेहद खूबसूरत लगता है, और साथ वो मेरे ख्याल में चैरिटी, बिल्कुल चैरिटी भी करते रहे हैं। अच्छा। चैरिटी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है लेकिन एक सरकारी दायरे के साथ वाबस्ता है, और अभी भी उनकी खिदमात में उस चैरिटी हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब ये कि सदका जारिया भी है साथ साथ, और अपने जो खूबसूरत उनका शोभा है उसे भी जिंदा किए रखे हुए। यानी इस तौसीफ, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम बहुत करीब आ रहे हैं कुछ एक या दो बड़ी ज़बरदस्त और अहम मुल्की शख्सियात की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि आप एग्जैक्टली नाम बता दें, तो इजाज़त है मैं पूछना चाहूँगी कि नाम बता दिया जाए ताकि हम उन्हें बुला लें और फिर वो हमारे साथ यहाँ पर आकर अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएं। 2 मिनट और हम बुला लें इस वक्त, आप रेडी हैं? चलें अभी हम, तो यही वो लम्हात है जिनके बारे में अहमद बात कर रहे थे कि जिस वक्त हम लोग रिहर्सल्स के दौर से गुजरते थे कितना टाइम लगा करता था उस रिहर्सल्स के दौरान, तो अब कुछ झलकियाँ उस रिहर्सल के टाइम की आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक शो को, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बैक स्टेज क्या कुछ हो रहा था। अहमद, ऐसा ही है, और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि ये जो लाइनअप है बेसिकली म्यूज़िक लाइनअप जो हमें रखा हुआ है, बल्कि वो कुछ इशारे भी हमें मिल रहे हैं दूर से, लेकिन ये कि हाँ बिल्कुल इशारे मिल रहे हैं हमें, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक है। लला जुबैरी साहब हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त, और साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओएस मंगलवाला हैं, मेरे को होस्ट शुएब यहाँ पर मौजूद है, तो इन सबको आइडिया होगा, इनकी स्माइल बता रही है कि इस वक्त अहमद और जरियाब किस तरह से स्टेज पर खड़े होकर सबको इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो तालियाँ बजा दें प्लीज़।
गुड ये सिर्फ इसलिए जल्द बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया प्लीज स्टेज अब आपका हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु हिज एक्सीलेंसीज प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ऑनरेबल फर्स्ट लेडी हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब सेनेटर फैसल हमारे दोस्त फरख हबीब कंवल साहिबा और हमारी बहुत ही प्यारी टीचर मैडम कहाँ बैठी हैं श्री मजारी साहब चली गई हैं बैठी हुई हैं आज की महफिल में अगर कोई यंगेस्ट मुझे नज़र आ रहा है तो वो मैडम श्री मजारी साहिबा हैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये देख रहा था और अभी इससे पहले कि मैं आगे बात करूं और म्यूजिशियंस जो है अपना वो सेट करें फवाद चौधरी साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़बरदस्त काम किया है आपने और एन हमारे वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक एक मॉडर्न सोच को बड़े कम अरसे के अंदर आपने इम्प्लीमेंट किया है आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एप्रिसिएशन का कोई कल्चर नहीं है सो ये आपको बड़ी तवक्को ना रखिएगा कि बहुत सारे लोग आपको इस पर अप्रिशिएट करेंगे अभी तो अल्लाह का शुक्र भी मैं अदा करता हूँ कि ये जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा हुआ है वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब ने जो किया है इसकी वजह से लोगों को काम करने के लिए मौका मिल रहा है और एक अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज हो रही है वरना हमने वो टाइम भी देखा है ये भी बात हो रही थी मेरा खातून कह रही थी मुझे पीटीवी ने प्रमोट किया है मैं अर्ज करूं कि मेरा बिल्लो दे घर पीटीवी ने ही बैन किया था सबसे पहले तो नून लीग की हुकूमत थी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन उस ज़माने में एक किसी ने मुझे मैसेज भेजा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उस पर लिखा था डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क देर इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क विच सेज दैट इफ समवन कैन डू इट देन आई शुड डू इट एंड इफ नो वन कैन डू इट देन आई मस्ट डू इट फिर था देर इज एन अरेबिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क विच सेज हबीबी इफ समवन कैन डू इट लेट हिम डू इट एंड वल्ला इफ नो वन कैन डू इट देन हाउ कैन आई डू इट अच्छा आई एडिड फ्यू लाइन्स इट एंड इट एंड आई फॉरवर्ड इट टू ऑल माई फ्रेंड्स आई सेड हैंग ऑन देर इज अ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क ऑल्सो विच सेज दैट इफ समवन कैन डू इट डोंट लेट हिम डू इट काम किसी को करने नहीं देना लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको मौका मिला आपको ऐसे लीडर मिले और आपके अंदर स्पार्क था और आज आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं मैं इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये कहूँ कि ऐसे डायनेमिक सदर भी शायद उसमें से पाकिस्तान को नंबर 1
बंद करा दिया मिलती है आवाम की सपोर्ट तो उससे हम काम करते हैं दिन बड़ा लेकिन अखबार में जो खबर आई थी वो देख के मेरा बड़ा दिल खराब हो मैंने सोचा 15 दिन में अस्पताल बना तो जो बड़ा अप्रिशिएट करें क्या तो जो खबर कुछ दिनों के बाद आई वो हमने खैर CCTV कैमरे से उस शख्स को पकड़ लिया जो जाके डस्टबिन का घर देख जगह पहन के तो उसकी तस्वीरें खींची सोशल मीडिया पर लगाई उसने जगह जगह गर्मी के ढेर पड़े थे और एक जली हुई रोटी उसको मिली उसके साथ तस्वीर बनाई और बहुत सारे लोगों ने उसको लोगों के साथ शेयर भी कर दिया कि देखे हिलाने अस्पताल के अंदर जगह जगह गर्मी के ढेर पड़े और जली हुई रोटियाँ लोगों को खिलाई जा रही मेरा दिल बिल्कुल छोटा सा हो गया बड़ा दिल खराब हो गया ये सब आप जो भी फरमा रहे थे कि डिसइंफॉर्मेशन या मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली ये डिप्रेसिंग इंफॉर्मेशन ये शान के फैलाई जाती है कि जो लोग काम करना चाहते हैं तो उनका मोरल खत्म कर दिया जाए तो फवाद चौधरी साहब आपने काम तो बहुत बड़ा किया है लेकिन अल्लाह करे कि इसको अप्रिसिएशन भी उतनी मिले जितना इसका हक होता है मुझे उम्मीद है मिलेगी आपके पास तो मिल जाएगा इस बात को भी पता चलनी चाहिए और इसके ऊपर जरूर आप शोर आपको जो सपोर्ट वजी अजम साहब की तरफ से भी हम से जरूर मिलेगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तैयार हो गए जी जुबैरी साहबा यहाँ पे तशरीफ़ लगती हैं हमारे आर्टिस्ट हमारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं हमारे एंकर साबिर शाकिर साहब और बहुत सारी इन लोगों के लिए भी क्लैपिंग कर दें जी सारे लोग हमारे मैंने आपको अभी देखा टू स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला कई दफ़ा अभी आपने वो रूहानियत का जिक्र किया एक बुज़ुर्ग हमारे घर तशरीफ़ लाते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आना तो आँखों से आंसू जारी हो जाते उनके तो एक दफ़ा मैं मुझे कहते पुत्र चाह पिया तो मैं चाय लेकर आया तो छलक के ज़रा से गिर गई मैं क्या पंजाबी बोलते थे तो मैंने कहा हजरत माफ़ी चाहना मैं चाह थोड़ी जी डुल गई कहंदा ना 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 चलिया ना पुत्र माफ़ी नहीं मांग दी और यार जिथे चाह होवे ना उथे डुल दी जरूर है कितनी अच्छी बात है जिथे चाह होवे उथे डुल दी जरूर है तो जिथे डुल जावे ना उथे दाग भी छट जाती है तो जे दाग ना छड़े तो समझो फिर पत्ती माड़ी सी क्या ज़बरदस्त बात ये अल्लाह के वलियों की बातें हैं जो हर बात को मोड़ के उस तरफ ले जाते हैं तो आज भी ज़रा सा रंग का जिक्र है मैं लंबा नहीं करूँगा एक एक अंतरा सुना के ना आगे बढ़ जाऊँगा उन गानों की तरफ जिनका शायद आप इंतज़ार करें से सीख बंदा पूछे वो ऐसा क्या करती है वो बताता है फिर के क्या करती है के बातें करे सखियों से पर ध्यान गगन के भी
तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सो हर जा सोसाइटी को मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम मिले जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग दे मैं भूलिया सा मरना नहीं गौर गया कोई हो मर जावे कोई हो गौर पे आ कोई हो मर जावे ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच. एक बात हो रही थी कि किस तरह से मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जंग के तरीके किसी ने कहा कि जी हाँ, सबसे पहला तरीका होता है सबोटाज, दूसरा होता है एस्पिनाज और तीसरा होता है सबवर्जन.
तो सबोटाज में तो डायरेक्ट अटैक होता है, दूसरा एस्पिनॉज जिसमें स्पाइस जाते हैं और वो कहते हैं वन गुड स्पाई इक्वल्स एन आर्मी, और तीसरा सब वर्जन का जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, और उसका बेस्ट टूल है मीडिया। बाखुदा ये फवाद भाई, मैंने एक चीज देखी और मैं हैरान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें ये था कि ताश होती ना, ताश वो किसी ने ऐसे उसको शफल करते हैं ना, उसको कार्ड्स दिखाए इस पे, और उसने कहा चूज वन कार्ड। तो मैंने देखा, मैंने एक कार्ड जहन में रख लिया, चूज कर लिया, 5 सेकंड्स के लिए ब्लिंक हुआ, और जो कार्ड मैंने जहन में रखा था वो उसने निकाल के मेरे सामने रख दिया। मेरे तोते उड़ गए कि ये क्या हुआ है, ये तो एक रिकॉर्डिंग है, मैंने वही कार्ड क्यों चूज किया जबकि बाकी सारे कार्ड्स भी मैंने देखे थे। सो देखे कैसे उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की हमारे ब्रेन की, रिसेप्टर्स की, कि वो कार्ड जो मैंने चूज किया था वो उन्होंने कोई फ्यू माइक्रो सेकंड्स ज्यादा दिखाया था, ज्यादा विजिबल था, और वो 7 था, हार्ट का रेड कलर था, और सिर्फ वो उसकी वजह से मैंने वो चूज किया, और सब लोग वही चूज करते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुझे लग रहा था कि वो मेरी मर्जी से चूज हुआ है, हालांकि वो मेरी मर्जी से चूज नहीं हुआ था, वो जिसने चूज करवाना था उसने डिजाइन इस तरह से किया था। सो बाज़ुकात हमारे डिसीजंस हमारे नहीं होते, लोगों के माइंड्स किस तरह बदले जाते हैं, ये एक पूरी साइंस है। जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की मुझे बड़ी पसंद आई, ये रिसर्च आजकल देखें, वो कहते हैं ना ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो कर लें, मैंने रेड क्रेसेंट में यही किया था आते ही, मैंने देखा किधर किधर अच्छा अच्छा काम हो रहा है, क्या काम उसको निकाला जो मुमकिन था विद इन लिमिटेड रिसोर्स। तो हम देखें कि कहां कहां रिसर्च हो रही है, उससे फायदा उठा के इस मीडिया को बहुत आगे जाने की जरूरत है, एंड यू कैन डू इट। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के मीडिया को और हमारी सोच को, हमारे विजन को इतना बड़ा कर दे कि हम आने वाले वक्तों का मुकाबला कर सकें। ये बहुत बड़ी जंग है जो आप लड़ रहे हैं। मैंने इसी हवाले से कुछ लिखा था कल, मगर एक फैसल मुझे कह रहे थे कि आपकी पोइट्री इनको पसंद होती है कभी कभार, तो मैंने कुछ चीज़ें, मैं उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी, वो ये थी कि आओ मायूसी फैलाएं, आओ कुछ अखबार और चैनल मिलकर आग लगाएं, आओ मायूसी फैलाएं। अच्छी खबर कहाँ बिकती है? बिकती है मायूसी, या फिर बिकती है जासूसी। दुश्मन बन के खुफिया हाथ से हाथ मिलाएं, आओ मायूसी फैलाएं। सूख गई है डाली डाली, डाकू अपने बाग के माली, अपने फौजी देश के दुश्मन अपना एटम बम भी जाली। ऐसी झूठी बातें करके लंबे नोट कमाए, आओ मायूसी फैलाएं। फिर कहता है 20 लाख रुपया देकर फिरके कुछ बनवाएं, फिर 10-10 लाख रुपया देकर आपस में लड़वाएं। भाड़ में गई मोहब्बे वतनी, हसदी रहे बस अपनी पत्नी, देश ने सानू दिता की है पाटा झग्गा छिज्जा कालर, दूजे पासे नाले वीजा नाले जेब च डालर ही डालर। ठीक है, जज्बाती हैं लोग हमारे, आपस में लड़वाएं, आओ मायूसी फैलाएं। लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट शायरी थी। अब आ जाए जरा उस तरह के गानों की तरफ जिसका आपको इंतजार है भी कि नहीं, आप मजबूरन तो नहीं बैठे हुए, मजबूरन वाले कौन है? अच्छा, मेरे गानों पे यूजुअली थोड़ा लग लो होता है, तो वो तो मुझे यहां नजर नहीं आ रहा, तो मैं वो फिर आपको राग सुनाऊं लंबे लंबे, यहां हो सकता है इधर आगे जगह है वैसे, बाय द वे कह रहे जगह बहुत है, तो वो कोई भंगड़े वाले दोस्त आ सकते हैं हिम्मत करके, ताकि जरा सेलिब्रेट करें ना, कोई छोटा काम तो नहीं किया। कौन है? लेट सी, बारिश का पहला कतरा कौन है? कुछ कतरे एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मैडम श्री मजारी, ये नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम उनको देखें, इस वक्त जिंदा दिल शख्स मुझे वही लग रही है सबसे ज्यादा, जो हमने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वक्त गुजारा है और इनसे इनको हमने देखा है, माशाल्लाह हर चीज में लीड ले रही होती थी, और ये एक जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी की लीडर है और एक बड़ी लीडर जो है वो है। क्या मूड है भाई आप लोगों का? हाँ जी, थोड़ा सा कुछ करें, चलो जी तैयार हैं? ऑलराइट।
हाथ नजर आने चाहिए मुझे कम से कम। आज मेला वे